हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं खालिद, आपको मेरे चैनल पान एक्शन पे खुश आमदे। दोस्तों, आईपीएल विच पीएसएल, पीएसएल की जो ट्रॉफी उसको दिखाया गया है, वो जो उसके साथ जितने भी कैप्टन्स है वो खड़े थे, कोई शेरवानी पहन के शादी पे जा रहे, कहीं कोई अपने लिए थ्री सूट पहन के, कोई जर्सी लेके और नीचे कुछ और पहने दिकाया गया है। ट्रॉफी दिखानी है तो जिस टीमों के जो यूनिफॉर्म होते हैं, छतरी होते हैं, उसको दिखाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर ये लोग कहते कि पीएसएल वेस्ट आईपीएल। आईपीएल जो है वो एक ब्रांड है, वो एक सबसे ज्यादा महंगा टूर्नामेंट होती है आईपीएल। जब वो ट्रॉफी को दिखाया जाता है, शोकेस होती है, तो सारी जो टीमें की जो कैप्टन्स होती है वो सारे अपनी जर्सी उसी टीम की पहन के सामने आती है। तो पाकिस्तान की जो फैन है क्या बोलती है इसके बारे में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं। टीमा वहां पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम देखिए, सलाम। जिस तरीके से PSL 9 की ट्रॉफी को रिवील किया गया है, कि आपको लगता है कि किसी इंटरनेशनल लेवल की लीग हो रही है हमारे यहाँ पे? यार ये तो मुझे लगता है गली क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। इतनी कोई घटिया किसी को ट्रॉफी रिवील, आप देखो पीछे बैंड बाजा बजा की बारात लेके गई थी पीएसएल वाले, और कोई शर्म कर लो। और ऊपर से जाके किधर की है, ये पार्क के अंदर जिधर लोग डेटे मारने जाते हैं, और पाकिस्तान लाहौर के अंदर की जगह खत्म हो गई थी। आप इनारे पाकिस्तान चले जाओ, आप अंदरून लाहौर चले जाओ, आप कदाफी स्टेडियम के बाहर चले जाओ, आप बादशाह मस्जिद चले जाओ। यार इससे बेहतर बीपीएल की लीग थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो ने ट्रॉफी रिवील की थी उससे कहीं बेहतर थी श्रीलंकन लीग। हम आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं, आईपीएल को तो कार्य की नहीं है, इन्होंने कितनी गंदी ट्रॉफी रिवील की है। मतलब क्या, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये वो ट्रॉफी को रिवील कर रहे करें, उसके लिए उसको एडवर्टाइज करें, अवाम को बताओ, लोगों को बताओ, लोग वहां पे पहुंचे। मुझे लगता है ये 15-20 लोग गए हैं, जाके इन्होंने खुद जाके वोट हुए ट्रॉफी रख के, 3-4 कैमरामैन बुलवा के उनसे पिक्चर तो के लो जी पीएसएल की ट्रॉफी रिवील होगी। मतलब क्या कि पीएसएल जो है टोटली मुझे तो फ्लॉप नजर आई है इसकी ट्रॉफी रिवीलिंग। तो इसमें जरा भी यानी कि शक नहीं है कि यार वहां पर जाके इंडिया को देखो यार, इंडिया का जब आईपीएल होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को देख लो यार, वहां पर जाकर उनकी यानी कि उन्होंने जब इनॉग्रेशन की थी ट्रॉफी की, लोग वहां पर जाके खड़े हुए थे, पूरा यानी कि मुझे लग रहा था पूरा समुद्र का समा होता था जब उनकी यानी कि रिवील की थी, ट्रॉफी रिवील की थी, इनॉग्रेशन हुई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था इंडिया में। जब देखो जाके आईपीएल, जब वो यानी कि वो आईपीएल की ट्रॉफी रिवील करते हैं, पूरा सोशल मीडिया आपको एक साथ जैम नजर आता है, और पूरी आवाम उसके ऊपर यानी कि कमेंट कर रही होती है, हमें तो पता भी नहीं चला कब ट्रॉफी रिवील हुई है। यार मैं तो वो उनकी पिक्चर देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ, बिल्कुल मायूस सारे चेहरे उतरे हुए, साफ नजर आ रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत छाई हुई है ना, बिल्कुल किसी का मूड नहीं, सारे आउट ऑफ यूनिफॉर्म, किसी ने किट नहीं पहनी हुई और चेहरे उतरे हुए हैं सबके। मैं तो देख के हैरान होगा कि ये पीएसएल की ट्रॉफी की वो कर रहे हैं यार, रिवीलिंग हो रही है, मैं तो हैरान हूँ यार। तो ये वही पीएसएल है जिसको हम आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। भाई ये पिक्चर देख के आप खुद अंदाजा लगाएं, आईपीएल कहाँ, आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है यार, और पीएसएल की यार मुझे किसी का मूड ही नहीं लग रहा था पिक्चर में, ऐसे लग के पकड़ के खड़ा कर दिया और ट्रॉफी रख दी यार। पीएसएल क्या आप रिवील कर रहे हो, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और आईपीएल के साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है यार। यार देखें, जब आईपीएल की हुई थी ना रिवील, ट्रॉफी रिवील हुई थी, तो वहां पे बकायदा हर किसी ने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था, अपर पहने हुए थे। यहाँ पे देखें यार, ऐसा लगता है किसी का शादी का वलीमा हो रहा है। ठीक है, आईपीएल एक ब्रांड है यार, जब उसकी रिवील होती है सोशल मीडिया जैम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप अभी आपने दिखाई है पिक्चर, मैंने देखी है। ठीक है, तो ये किसी ने देखी नहीं है और इन्होंने ऐसे रफ पिक्चर चढ़ा दी है यार। यार बहुत सारी आवाम कह रही थी ये ट्रॉफी रिवील कम हो, ये किसी का वलीमा ज्यादा हुआ। बिल्कुल यार, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, मतलब हर कोई अपने अपनी मर्जी के कपड़े पहन के आया हुआ था। ठीक है, और लग ही नहीं रहा था कि यार पीएसएल की जो है वो ट्रॉफी की रिलीव हो रही है। अच्छा यार देखे, वहाँ पे ढोल बज रहे हैं भाई, मुझे लगता है सिर्फ डांसर्स की कमी रह गई थी, बाकी तो ऐसे जैसे वलीमा वहाँ पे चल रहा है, शादी पे बैंड बाजे चल रहे हैं, और शक्लें भी मारी गरीब, और शादाब साहब खड़े हुआ बाबर आजम की शक्ल ही नजर नहीं आ रही, और कोई ऐसे तस्वीर खींचने वाला भी कोई लगता है कोई पेंडू से उठा के लेके गए हुए हैं, कोई ऐसी प्रोफेशनलिज्म चीज हमें नजर नहीं आई। कंपैरिजन करते हैं हमारा आईपीएल के साथ, आईपीएल भाई ये एक गॉड ऑफ क्रिकेट लीग है, माना जाता है बेस्ट क्रिकेट लीग है इस टाइम, माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। बिग बैश से आप कंपेयर कर लें, किसी भी लीग से कंपेयर कर लें, जो इस टाइम आईपीएल की लीग है वो उसके साथ पीएसएल उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई ये बिल्कुल बेकार, मतलब कि फारुगुल्ला लीग है भाई, फारुगुल्ला। मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने पाकिस्तान को एक जो है वो बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, और ऊपर से हमारी पीएसएल जो है लीग करवा रहे हैं। भाई ना करो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पाकिस्तान को तो कम से कम जो है वो बेइज्जत ना करवाओ ना इंटरनेशनली, पूरी दुनिया अगर लीग आपकी देखती है, अगर आपका नाम चल पड़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको फिर थोड़ा मैनेज भी तो सही तरीके से करो ना। ये ढोल बजा रहे हैं भाई, वलीमा की तरह समझ से बाहर है मेरी, करके आ रहे हैं क्या
मतलब आप देखो वो सारे प्लेयर जो है कोई जर्सी पहन के आया हुआ है, कोई जैकेट पहन के आया हुआ, मतलब ये तो गली की क्रिकेट है। जब बच्चे पांच मिल गए ट्रॉफी लेकर आए, बीच में वो सदर को खड़ा कर दिया, आज ये ट्रॉफी हमने ये पीएसएल ये ली, रेड कार्पेट बिछाया हुआ है यार। किसी क्रिकेट का मैच है तो स्टेडियम किधर जारी करे यार। इन्होंने ना बजट कम लगाया है, पैसे बचा रहे हैं ये लोग, इन्होंने प्लेयरों को पैसे देने हैं, मसला सारा ये है। इतनी गद्दी, मतलब आप कहते हो पाकिस्तान की सब पीएसएल जो थी पाकिस्तान की बहुत अच्छी लीग है, उसको दिखाओ भी तो सही दुनिया में। इतनी प्यारी ट्रॉफी बनाने के बाद इतनी खच रिवील की है इन्होंने, आपने रेड कार्पेट बिछा दिया है, चार प्लेयर डबखड़े से लाके खड़े कर दिए बीच में, जितने भी है वो सारे किसी ने अपने किसी ने लाहौर के अंदर एक शहीन अफरीदी लाहौर के अंदर की शर्ट जैकेट पहनी है, आप सारे एक शर्ट पहन गया, शर्ट रिवील हुई है और नजर आया दुनिया का भाई पीएसएल होने लगा। इतनी ऊपर से फॉग, ऊपर कैमरा मैन चेक करो कितना गंदा कैमरा मैन है, उसकी फोटोग्राफी देखो कितनी गंदी है, मैं मेरे से करा लेते तो बेहतर होना था। यही लोग है जो आईपीएल को पीएसएल के साथ ना कम्पीट करते हैं, मतलब शर्म करो, कुछ कहने वाली बात है ये करने वाली। आईपीएल वाले ना पीछे गाने चलाते हैं, इतना बड़ा स्टेज लगाते हैं, मतलब ट्रॉफी रिवील, ट्रॉफी रिवील पे वो करोड़ों रुपए लगा देते हैं। आपने सिर्फ एक रेड कार्पेट 300 रुपए का ला के 500-600 वाले कैमरामैन मंगा के वो पार्क के अंदर खड़ा करके जी चलो ट्रॉफी रिवील होगी, और ये कैसी ट्रॉफी रिवील की है भाई? बैंड बजे जो बजा रहे थे वो कहां, उस चीज को कैसे देखते हो आप? ये बारात वहां से गुजरी थी कोई, उन्होंने कहा जी अच्छा बारात आ रही है चलो मुफ्त खाते के अंदर इनको अंदर बुलाओ फटाफट, ट्रॉफी रिवील करिए फटाफट, ट्रॉफी रिवील करें। शादी का वलीमा हो रहा है, शादी का वलीमा नहीं, बारात आई है सर, और पीएसएल की ट्रॉफी नहीं, बारात आई थी उन्होंने उधर से पकड़ के बैंड बाजे वाले से ट्रॉफी के आगे बजा दी है। इतनी घटिया ट्रॉफी रिवील की है, मतलब उम्मीद नहीं थी पीएसएल की तरफ से यार। इन्होंने पीएसएल की ट्रॉफी मुझे लगता है कम रिवील की है, गली मोहल्ले की ट्रॉफी ना ज्यादा रिवील किया, जो ये जाके उधर इंडिया के पीएसएल को लेके आईपीएल का मुकाबला करते हैं, जाओ यार कुछ तो ख्याल करो, इनसे कहा इंडिया के वो जो आईपीएल है उसका मुकाबला आना है, आईपीएल के सामने भी ये पीएसएल बच्चे मुझे नजर आया, कुछ भी मजा नहीं आया इसमें यार। ये तो ऐसे मुझे फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान हमारा कर्ज में डूबा हुआ है, इस तरह हमारा जो है पीएसएल की जो ट्रॉफी जिसको मैनेज कर रहे हैं वो लोग वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनके पास पैसा नहीं है, इतनी गुर्बत आ गई हुई है। करते कंपेरिजन आईपीएल के साथ है लोग हमारे, लेकिन उनका उनका देख लो आप इनॉग्रेशन तो, और हमारी देख लो, ऐसे लग रहा है कोई पेंडू उठा के लेके गया है कैमरामैन के भाई, ना कोई तस्वीर का रुख नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है किसी अंधेरे में खींची हुई है, और कोई किट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई चपरासी जाके उनकी तस्वीर खींच के चला गया। सोशल मीडिया कह रहा है ये ट्रॉफी रिवील नहीं हुई है, इतना से कहते हैं वलीमा हुआ है वहां पे, सारे मिलजुल रहे हैं, ढोल भी बज रहे थे वहां। आप तस्वीर देखें किसी बंदे की सही शक्ल ही नजर नहीं आ रही, ठीक है, कोई वो किट नजर नहीं आ रही किसी की, कोई प्रॉपर किट नजर नहीं आ रही, मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने किस तरह की जो है वो करने की कोशिश किया, क्या पाकिस्तान को जो है वो साबित करने की कोशिश किया कि भाई हम जो है तालुक ही गरीब मुल्क से रखते हैं, हमारा कोई मतलब के पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनली कोई हमारा फेस नहीं है। यार मुझे तो लगता है पीएसएल ये करवा के रहने के पास इतना बजट है कि इस टाइप का ये काम कर सके, ट्रॉफी रिवील की है, ऐसे रिवील की है जैसे वो लोकल जो ग्राउंड में मैच नहीं हो रहा होता वहां पर जाकर बच्चे जाके अपनी ट्रॉफी रख देते हैं, ये हमारी ट्रॉफी है, ये हमने मैच खेला, इस टाइप की इन्होंने अपनी ट्रॉफी रिवील किया, ना वहां पर कोई बड़े से बड़ा कैप्टन, ना कहीं और कोई प्लेयर, ठीक है, इस टाइप की कोई भी इस टाइप की हमें चीजें नजर नहीं आई, ना उनके यूनिफॉर्म्स हैं, ना उन्होंने कुछ पहना हुआ प्रॉपरली, और देखे जब ट्रॉफी को रिवील किया जाता है काफी जबरदस्त वीडियो था, और सबसे जो है लाहौर में बादशाही मस्जिद है, अगर उसके सामने खड़े हो गए, एक पुरानी मस्जिद है, और ऐसी बहुत सारे जगह कि आप ट्रॉफी लेकर जा सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं, और पीछे जो सारे प्लेयर्स है कैप्टन है वो खड़े होके मजा आता था। तो मगर ये जाके ग्राउंड में और ये उनकी सारे की बेइज्जती हो रही है अब सोशल मीडिया में अवाम के, तो ये है पीएसएल और आईपीएल तो दूर की बात है। अच्छा दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, तो जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें।